नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अंजुला आज फिर आपके लिए हेयर कट की वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, ये मेरी क्लाइंट हैं। इनका हेयर ना तो बहुत मोटा है और ना ही बहुत पतला है। इसमें आज आपको स्टेप कटिंग कर दिखाती हूँ। बहुत ही धीरे धीरे आराम से करूँगी, इसीलिए आप भी आराम से देखिए। कटिंग शुरू करने से पहले बालों को अच्छे से गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद सुलझा लेंगे। क्लाइंट से पूछ लेंगे आपको कितना लेंथ चाहिए। ये सब की जानकारी कटिंग शुरू करने से पहले ही ले लेनी होती है। उसके बाद अब कटिंग करना शुरू करेंगे। पहले बालों को अच्छे से सुलझा ली मैं, इनसे पूछ ली कि इनको कितना लेंथ चाहिए। अब बालों को तीन भागों में डिवाइड करूँगी। देखिए कैसे कैसे डिवाइड करती हूँ। और कस्टमर से बात करते जा रही हूँ ताकि उनको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगे। सबसे पहला लेयर जो होगा वो आईब्रो के पास से निकालूंगी। ये देखिए, गोलाई से निकालूंगी और गोलाई से निकाल के उसको पिन से टक कर दूंगी। ये देखिए, जैसे मैं निकाली, इस आईब्रो से शुरू की दूसरे आईब्रो तक गोलाई से मैं बाल को निकाली। निकालने के बाद अब उसको पिन से इसको टक कर दूंगी। ये देखिए, ये पिन है, हेयर पिन, इससे टक कर दूंगी। अब सेकंड जो लेयर होगा वो ईयर टू ईयर होगा। इस ईयर से लेकर उस ईयर तक मैं निकालूंगी। इसी तरह गोलाई से निकालूंगी। देखिए, इस ईयर से शुरू की और उस ईयर तक गोलाई से निकाल दूंगी। ये देखिए, लेयर निकल गया। बस इसको भी इसी तरह पिन से टक कर दूंगी। ये हो गया। अब जो सबसे नीचे वाला लेयर रहेगा उससे हम लोग कटिंग शुरू करेंगे। अच्छे से वाटर स्प्रे कर दीजिए ताकि बाल को अच्छे से होल्ड करने में आसानी हो। गीले रहेंगे बाल तो बहुत अच्छे से होल्ड होंगे। अब क्या करेंगे, बीच से एक पतला सा लेयर निकालेंगे और निकाल कर जितना भी रफ हेयर होगा या फिर क्लाइंट जितना छोटा करवाना चाहती हैं वैसे पूछ कर स्ट्रेट कट लगा देंगे। जैसे ये देखिए, मैं लेयर निकाली और निकाल कर कंधे के पास ले गई। अब बीच से डिवाइड करके कंधे के पास ले गई और एकदम स्ट्रेट कट कर दी और फिर पीछे लाकर नीचे छोड़ दूंगी। ये मेरा गाइडलाइन बन गया। अब इसे से मैच करते हुए ऊपर के बालों को कट करूंगी। ये देखिए, कंधे के पास लाई और स्ट्रेट कट कर दी। पीछे ले जाऊंगी तो वो अपने आप यू शेप में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा कट करके हल्का सा यू शेप में उसको ला देंगे। ये नीचे वाला जो रहेगा वो मेरा गाइडलाइन रहेगा और ऊपर के जितने भी कटिंग होंगे इसी से मैच करते हुए होंगे। अब सेकंड लेयर खोलूंगी। सेकंड लेयर खोलने के बाद इसी तरह दोनों तरफ से बालों को आगे कर लूंगी और बीच का जो लेयर बचेगा उसे अपनी ओर स्ट्रेट लाऊंगी। ऐसे स्ट्रेट लाऊंगी और एकदम कट कर दूंगी, स्ट्रेट कट कर दूंगी। अपनी ओर घींचूंगी और घींचकर नीचे के लेयर से मिलाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा बाल आएंगे, जैसे देखिए एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं, अब उसको कट कर निकाल दूंगी। फिर एक बार देखिए, मैं अपनी ओर खींची और खींचने के बाद स्ट्रेट कट कर दी। ठीक इसी तरह इधर भी करेंगे। ये देखिए, लाई और स्ट्रेट कट कर देंगे। नीचे के लेयर से मिलाकर अपनी ओर खींचेंगे और खींचने के बाद स्ट्रेट कट कर देंगे। ये देखिए, कर स्ट्रेट कट कर देंगे। हो गया। अब नीचे छोड़ेंगे तो
तो अपने आप लेयर में दिखेगा, स्टेप में दिखेगा। देखिए, ये देखिए, हो गया ना। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा स्टेप हो जाता है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे इसमें और थोड़ा हैवी लुक देना है तो बीच से गोलाई करके हेयर को निकालेंगे और निकाल कर ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, 1 इंच के करीब कट करके नोचिंग कर देंगे। ये देखिए, कटिंग मैं की और नोचिंग कर दी, ये देखिए, और छोड़ूंगी तो नीचे और भी अच्छा हैवी लुक आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला लेयर खोलेंगे और सेम जैसे बीच वाले लेयर को की हूँ उसी तरह ऊपर वाले लेयर को भी करूँगी। देखिए, लेयर खोली, खोल के मैं अच्छे से बाल को कॉम कर दी और करने के बाद बीच का पार्टीशन निकाल दी ताकि दोनों तरफ के बाल एकदम बराबर रहेंगे। और फिर अच्छे से झाड़ दी हूँ और अब कटिंग करूँगी। ये देखिए, फिर दोनों तरफ से इसी तरह बाल को आगे की ओर ले जाऊंगी और बीच के जो बाल बचेंगे उसको स्ट्रेट ऊपर की ओर ले जाऊंगी। देखिए, ऊपर की ओर ले गई, बीच वाले को अपने तरफ खींची थी और ऊपर वाले को सबसे ऊपर ले जाकर जितना एक्स्ट्रा बाल रहेगा उसे कट कर दूंगी। फिर ऐसे करके एक्स्ट्रा बाल को कट कर दी और उसमें नोचिंग कर दी, छोड़ दी दूंगी। देखिए, फिर सेम सारे बालों को इसी तरह करना है, ऊपर की ओर ले जाएंगे अच्छे से, नीचे जो भी बाल छूट रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जितना भी एक्स्ट्रा बाल है उसको कट कर दीजिए। बिल्कुल मत डरिए कि बहुत ज़्यादा बाल कट जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कटेंगे। और उसमें नोचिंग कर दीजिए। फिर ऐसे किए, फिर ऊपर की ओर ले गए, ऐसे ऊपर ले जाइए और ले जाकर जितना भी एक्स्ट्रा बाल आएगा उसको स्ट्रेट कट करके निकाल दीजिए। फिर देखिए, ऐसे ऊपर की ओर ले गई, ले जाने के बाद स्ट्रेट कट कर दी, कुछ नहीं। देखिए कितना अच्छा स्टेप आ गया अपने आप, लेंथ भी छोटा नहीं हुआ। चलिए, इधर के भी उसी तरह करेंगे, इधर के भी बालों को, बस थोड़े थोड़े बालों को लाइन से निकालते जाएंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे और ले जाकर स्ट्रेट कट करेंगे। देखिए, अच्छे से मैं निकाल रही हूँ, निकालने के बाद ऊपर ले जाऊंगी और ले जाकर स्ट्रेट कट कर दूंगी। ये देखिए, बस बहुत अच्छा हो गया। बस फिर इनके बाल को फिर ऊपर ले जाऊंगी और ऊपर ले जाकर स्ट्रेट कट कर दूंगी। ऐसे ले गई और ले जाकर स्ट्रेट कट कर दूंगी और उसमें नोचिंग कर दूंगी। फिर जितने बाल बचे हैं उसी तरह ऊपर ले जाऊंगी और कट कर दूंगी। फ्रेंड्स, दीदी के चेहरे पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, कटिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मैं ऊपर ले गई और ले जाकर कट कर दी। बस हो गया, देखिए कितना अच्छा कटिंग हो गया है एकदम। और फिर एक बार मैच करने के लिए सभी बालों को ऊपर ले जाएंगे और ले जाकर कट कर देंगे, देखेंगे कि सब एक बराबर है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर कटिंग दिख रहे हैं। अब इसको फ्रंट से थोड़ा सा शॉर्ट हेयर देने के लिए
टेम्पल एरिया के बाल निकालूंगी और उसको भी कट कर दूंगी। ये देखिए इतना हमारा स्टेप कटिंग रेडी हो गया। अब क्लाइंट से पूछ लेंगे कि उनको फ्रंट में थोड़ा चाहिए। अब फिर से थोड़ा सा बाल को निकाल रही हूँ, निकाल कर ऊपर ले जाऊंगी और कट कर दूंगी। ऐसे तो इनके बाल में ऐसे ही हैवी लुक आ गए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार हल्का सा निकाल कर कट कर दी थी ताकि थोड़ा और हैवी लुक आ जाए। और फ्रंट में शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टेम्पल एरिया के बाल को ऐसे निकालेंगे और निकाल कर ऊपर ले जाऊंगी और ले जाकर हल्का सा कट कर दूंगी, नोचिंग कर दूंगी। इनको शॉर्ट फ्रंट में शॉर्ट नहीं कराना था, बस थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा स्टेप फ्रंट में भी देने के लिए मैं हल्का सा कट की हूँ और नोचिंग कर दी हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इनका फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितना हैवी लुक लग रहा है। कटिंग बहुत सुंदर हुआ था। ये देखिए आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अभी ड्रायर भी नहीं लगाई हूँ तब इतना सुंदर इनका हेयर दिख रहा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए फ्रेंड्स, फिर